अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। अगले आसन में दोनों पैरों को ले जाते हुए शरीर पर बिल्कुल ध्यान की स्थिति बनाना है। अगले क्रम में झुकना है। अगर आप ये नहीं कर पाए तो आपको पूरा नीचे पूरा शरीर को हमको जमीन पर स्पर्श करना है। दो कोई भी वेरिएशन। अगले आसन में शरीर को कमर के ऊपर से बिल्कुल ऊपर की तरफ उठाना है, नजरें आसमान की तरफ रखना है। अगला आसन जो है वो पर्वत आसन है, इसमें शरीर से पर्वत की आकृति बनाना है। अगला पुनः वो आसन है, इसमें बायां पैर आगे रखना है और दायां पैर पीछे रहेगा। अगले आसन में पुनः दोनों हाथों से जमीन को स्पर्श करना है। पुनः दोनों हाथों को पीछे ले जाना है। एक धीरे धीरे हाथ ऊपर ले जाए। दो तीन सौ नमस्कार लगाना आप सभी को। अभी पुनः वही स्थिति है। एक हाथ ऊपर, प्रणाम की स्थिति में आइए। फिर से ये प्रणाम की स्थिति एक ही होगी आपकी। दो तीन पैर पीछे, चार। हर वर्ष हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, है ना। सब लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे सूर्य नमस्कार के लिए। बाया पैर पीछे, चार, पांच, छह, सात, का कार्यक्रम था। और क्या कहना था? आज 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। स्वामी विवेकानंद ऊर्जा से ओतप्रोत व्यक्तित्व थे। उन्होंने विदेश में जाकर हमारी भारतीय संस्कृति का डंका बजाया। ऐसे महापुरुष की जयंती हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस उपलक्ष्य में हर वर्ष विद्यालय में योग करवाया जाता है, सूर्य नमस्कार करवाया जाता है। सूर्य जो कि ऊर्जा का प्रतीक है, और सूर्य नमस्कार करने से भैया बहनों का शरीर स्वस्थ निरोग रहता है, बलशाली होता है। इसलिए लगातार हम 1 जनवरी से लेकर और 12 जनवरी तक सूर्य नमस्कार प्रतिदिन भैया बहनों से लगवाते हैं, जिससे उनका शरीर स्वस्थ निरोगी रहे, हष्टपुष्ट रहे। क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। जब स्वस्थ मस्तिष्क रहता है तो सारे कार्य बहुत ही अच्छे रूप में परिणित होते हैं। इसलिए हम इस दिवस को युवा दिवस के रूप में मना कर रहे हैं, योग दिवस के रूप में भी मनाते हैं।